Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों सोकर उठ चुका हूँ एंड सबसे पहले कर लेते हैं रूम का लाइट ऑन। एंड आज जो मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन होने वाला है एंड देखते हैं किस तरीके का आज एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हो लेते हैं फ्रेश। तो ब्रश वगैरह करने के बाद नहा धोकर एकदम हो जाते हैं रेडी। मैं थोड़ा सा यहाँ का आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बाथरूम है। तो 8 बजे से हमारी जो है वो पहली क्लास है, तो हमें यहाँ से 7:30 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे अपार्टमेंट से जो यूनिवर्सिटी की वो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो अभी जा रहे हैं हम दूध खरीदने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। बस सुबह में अभी जो है वो एक एप्पल ही खाया है एंड अभी लेकर आएंगे। और ये जो है पास में ही है, ये वाला फाइनली आ चुके हैं अंदर। एंड तो ये सारा दूध है यहाँ से समीर भाई ने उठाया है। ये दूध रेट देख लेते हैं, दूध के आपको रेट दिखा देता हूँ एक बार, अलग अलग है। ये सारा दे रखा है, 170 का है, 154 का है, सारे रेट दे रखे हैं यहाँ पर। वही यहाँ से हमने ये ब्रेड खरीदा है, ये सस्ता वाला थोड़ा ब्रेड और ये हमने खरीद लिया है। और कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, सब्जी वगैरह तो घर पर है नहीं। एंड अभी बस बिलिंग करनी है यहाँ से। तो दोस्तों यार हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम है एंड अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। हमने जो ब्रेड लिया है ये वाला, तो यार ये ब्रेड जो है हमने 78 का वहाँ पर देखा था, पता नहीं ऊपर नीचे कैसे होगा। ये होता है 168 का। तो यार धीरे धीरे अभी एक्सपीरियंस हो जाएगा, चलते हैं यार वापस, जल्दी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी करना है एंड रेडी होना है जल्दी से। सो यहाँ पर हमने जो है वो कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है एंड थोड़ी सी हमें मैगी बना लेंगे। तो उसके लिए समीर जो है वो आलू काट रहा है, कॉफ़ी और थोड़ी सी मैगी वगैरह खा लेंगे क्योंकि हमारी क्लास जो है वो आज सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा यार मतलब खा पी लेते हैं ताकि बीच में थोड़ी सी भूख न लगे। तो फाइनली मैगी भी बन चुकी है, लेट हो रहे थे इस वजह से हमने जो एक ही प्लेट में कर लिया है एंड जल्दी जल्दी खा कर इसको बैग पैक कर लेता हूँ मैं। और एप्रन वगैरह जो है वो मैं घर से सिलवा कर लेकर आया था एंड मैंने एक नोटबुक रख लिया, आईपैड रख लिया है अपना। दोस्तों मुझे इंस्टा पर CUET एग्जाम के बारे में काफी सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि आप भी CUET का एग्जाम करना चाहते हैं क्रैक, तो इसकी जबरदस्त प्रिपरेशन करने PW लेकर आया है आपके लिए प्रीवियस साइंस 2.0 बैच। तो इस बैच के बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो बैच रहेगा प्रीवियस साइंस 2.0 प्लस 12th बोर्ड बैच फॉर कम्प्लीट सिलेबस ऑफ CUET UG। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट को तो कवर किया ही जाएगा एंड साथ ही साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे जो कि PW ऐप पर अपलोड होंगे। उस फॉर्मेट में DPP भी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको मिलेगा पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, शेड्यूल्ड टेस्ट जो कि प्लानर के अकॉर्डिंग होंगे, टेस्ट एनालिसिस और स्टूडेंट पेरेंट्स डैशबोर्ड भी मिलेगा ताकि आपके भी पेरेंट्स को पता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 150 के डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं MI150 एंड अपने व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। फाइनली दोस्तों यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अभी एंड देखते हैं फर्स्ट डे आज हमारा और एक्सपीरियंस किस तरीके का रहने वाला है। और तो थोड़े बच्चे भी देखेंगे इंडियंस कितने हैं, फॉरेन के कहां कहां से हैं, बाकी चल के बताते हैं आपको। यूनिवर्सिटी में एक भूतिया घर भी दिखेगा आपको, ये खतरनाक है भाई, सूरज धूप ऐसी निकल रही है। तो कुछ इस तरीके की ये सिटी दिखती है, सिटी का नाम है क्रागोजोवेक एंड ये लगता है देखने में मिनी टाइम स्क्वायर। एंड अभी जो है वो रेड लाइट हो चुकी है तो इस वजह से थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया था हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे अपार्टमेंट से लेकर यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो अभी हमारा जो है वो बस का कार्ड भी नहीं बना हुआ है तो इस वजह से अभी हम जो है वो पैदल ही जा रहे हैं। तो फाइनल दोस्तों यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोजोवेक, जिस तरीके से हमारे स्टेट के नाम पर होता है ना, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस तरीके से इसकी यूनिवर्सिटी का नाम भी जो है वो इस सिटी के नाम पर ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोजोवेक। तो चलिए एंटर करते हैं एंड अभी हमें जो है वो H44 में जाना है जो कि 3rd फ्लोर पर है एंड फाइनली क्लास में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके के यहाँ के क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और सारे लेक्चर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। और फर्स्ट ईयर के यहाँ के जो सब्जेक्ट है वो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी जो है वो हम यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर में आ चुके हैं, यहाँ से हमें इंग्लिश का बुक खरीदना है क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसका अभी क्लास हुआ था। तो अभी हम जा रहे हैं एनाटॉमी की प्रैक्टिस क्लास करने के लिए एंड ये क्लास जो है वो एनाटॉमी की प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे होती है हमारी फर्स्ट ईयर की एंड हमारा ग्रुप जो है वो 3rd ग्रुप है। एंड आज की एनाटॉमी प्रैक्टिस क्लास में हार्ट के बारे में अच्छे से बताया गया था, हार्ट की यहाँ पे डमी भी रखी है।
तो फाइनल दोस्तों एनाटॉमी की क्लास भी जो है वो खत्म हो चुकी है एंड देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। अभी क्लास यार बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लगभग हमारा ये लेक्चर जो है वो 4.5 घंटे का लेक्चर हुआ एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगी थी एंड फर्स्ट दिन था हमारा। एंड डायरेक्ट अभी आ चुके हैं मार्केट, यहाँ से हमें सब्जी का सामान खरीदना है एंड यहाँ पर हम जो हमने प्राखर भाई ने जो है एक बॉटल पकड़ ली है, 2 बॉटल हमने पानी की खरीद ली है। ये वाला पानी जो है वो बिस्लेरी वाला नहीं होता है, ये वाले जो कंपनी है इसका आई थिंक इसका नाम है वोदा। एंड फाइनली वापस आ चुके हैं अभी रूम पर, थोड़ा सा मैं आपको रूम दिखा देता हूँ किस तरीके का हो रहा है। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा ये स्टडी टेबल है। एंड अभी डायरेक्ट चलते हैं किचन की तरफ क्योंकि भाई भूख तेज की लग रही है मुझे एंड सामान हमने लाकर यहाँ पर रख दिया है। ये कुछ दाला वगैरह है जो 250 ग्राम में जो है वो घर से ही लेकर आया था। तो खाना बनाने के बाद उसको खाकर मैं जो है अपने रूम में ही थोड़ा सा टहल लिया था एंड आज जो है वो ज़्यादा मैं थक गया था, मैं तो खाना खाकर थोड़े टाइम बाद सो गया था। एंड इस ब्लॉग को जो वो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड इसी तरीके से आपको व्लॉग देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए यार मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।